गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइज मैं रीना खत्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शेयर और रिएक्शन में एक बार फिर से। सो गाइज आ गई हूँ मैं आज एक और यू नो रिएक्शन वीडियो लेके। एज यूजुअल यू नो दैट भाई आपको पता है कि सॉन्ग्स पे तो रिएक्शन देती हूँ मैं साथ में साथ। अब आजकल बिग बॉस बहुत ट्रेंड में है तो एल्विश भाई तो भाई फैन है भाई के बहुत तगड़े हम तो आज उन्हीं के और आज फ्रेंडशिप डे भी है तो उनके और अभिषेक की दोस्ती भी ट्रेंड पे है तो आज उसी बेसिस पे वीडियो होने वाली है। अगर आप बेलिश भाई के फैन हो एंड फुकरे भाई के फैन हो तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो में फटाफट बढ़ चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कुछ प्यारी प्यारी सी मीम्स और करते हैं यादें ताज़ा जो फिलहाल बनी है पर बनी तो हुई है। सो देखते हैं करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइज करते हैं वीडियो स्टार्ट लेट्स गो। भाई मेरे को अच्छी समझ आती कल वो जिया से भी पूछी थी बेटी का कि कैसा लड़का अच्छी है तो उनकी डिमांड है टॉल डार्क हैंडसम रिच फैमिली ओरिएंटेड। मैं कहा सालों प्यार करने वाला नहीं चाहिए क्या तुम्हें तो उन्हें इन्हें बोलना तुमने क्या ये शीशा नहीं देखते तुम। ओ भाई इसको कहते हैं रोस्ट। जी हाँ बोल रहे तू जाती क्यों नहीं अब बोलिए एल्विश आई लव यू कहते हूँ हाँ इतना सीरियस मत लो आप आपके जैसों को मैं देखता भी नहीं मार पा भाई। मुझे कभी कभी लगता है कि भाई रोस्टिंग करने ही गया बिग बॉस में आपको देख के मुझे बहुत सारे जानवर याद आते हैं कभी वेल याद आती है कभी डॉल्फिन याद आती है बहुत बड़े बड़े जानवर याद आते हैं पर मुझे कभी कुत्ता याद नहीं आता। आपको पता है क्यों? क्योंकि कुत्ते वफादार लड़ाई वाला जो बोर्ड है ना वो टूट ही नहीं सकता पट्टी नहीं सकती भाई जब तू जाएगा ना हाँ। तेरे पीछे से बहुत सारी चीजें करूंगा इधर कर 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 और जिस अभी नहीं कर रहा फूकेगा ना अभी नहीं कर रहा उससे बहुत मजा आता मुझे आप कर ना बंदी तेरी रोमांस मेरा ओ जिया जी इतनी डम है कि उनसे पूछो कि बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वो रिप्लाई करती हैं कि कुछ भी कह लो उसे कहा सुनाई आशिका जी को लगता है कि वो बहुत अच्छी डांसर है बहुत अच्छा नाचती है नो डाउट आप नाचते हो पर फ्लोर पे नहीं मनीषा के इशारों जिया का फिल्म सिटी आशिका जी का तो नाम आके ना मुझे वो वाला याद आ जाता जब एल्विश आशिका जी का नाम याद आते मुझे वो वाली मीम याद आती है वो नहीं और जब पूछा था कि एल्विश अब ये एल्विश से क्यों बेहतर और वो डायरेक्ट बोल देती है हाँ ये बेहतर है तो वो वाली ज्यादा याद आ जाती है मुझे तो क्या हुआ बंदे का खुद भी कुछ स्टैंड नहीं था यार ये सुन के मुझे जरा भी अजीब नहीं लगा क्योंकि सांप जंगल में रहते हैं। आशिका बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो आपको ये लगता है ये बिग बॉस नहीं टिकटॉक या इंस्टा है जहाँ पे कमर दिखा के फॉलोअर बढ़ते हैं। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वहीं से वहां तक भी पहुंच गई है भरोसा उठ गया मेरा इस दुनिया से क्योंकि जो भरोसे वाले होते हैं वही अविनाश होते हैं। मैं सिर्फ बताऊँ एल्विश भाई की है ना मैं फाइटिंग बड़ी इंजॉय करती हूँ क्योंकि वो इतना तगड़ा रोस्ट मार देते हैं सामने वाले को मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है। आज तक बिग बॉस में ऐसी लड़ाई सुनी है तू 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 मतलब पहली बार इस तरीके का कुछ सुन रहे सबको बुला लेते स्टेज पे काम खराब है क्या सुनाई नहीं देता तो आप डॉक्टर ठीक कर सकते हो हाजिर जवाब तू भी आया है तुमने यहाँ का पाड़ लिया पिछले 27 दिन में
सामने वाला है तो बोलो सर आपका वो कर आ जाए रोते हुए शेर को जगा दिया यस यस आपने थोड़ा सा गलत वर्ड यूज करा सोती हुई बिल्ली को लात मारी वाले शेर को नहीं जगा ओ भाई मेरे सपना में आ रहा चोरा जागना बोलो ना मैंने हाँ बोल दिया भाई मैंने नहीं सुना यार तुम्हारा फोकस नहीं है कैसे डिक्टेटर हो तुम फोकस तो आप पे ही है अबे अभिषेक आपका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी यूट्यूबर आए उसको दोस्त बनाओ और आहिस्ते आहिस्ते उसका गला काटो भाई अपना अभिषेक ऐसा नहीं है लगता है कृष्णा भाई ने सीजन फॉलो ही नहीं किया और अगर मैं जीत भी जाऊंगा ये शो ऑडियंस के बेसिस पे बट फिर भी मैं मेरी नजरों में तू विनर होगा अगर मैं साथ लेके चला ये वाली मीम तो है ना डेडिकेट की जाती है स्पेशली फ्रेंडशिप मेघवाज के और तेरी तरफ से भी भाईचारा कभी खत्म नहीं होने वाला बेशक तू जीते मैं जीतूं बोला था कि अब रह लूंगा मैं सिस्टम ने बाइक सही बात बिग बॉस चला ही इस वजह से पहले अभिषेक की वजह से रहा था उसके बाद एलविश कर गए फिर रेटिंग वरना सबको पता है बिग बॉस की रेटिंग भाईचारा भाईचारा एक वर्तन वर्तन किसी को इंसानियत देखो किसके साथ रह रही है तो वही ये थी कुछ मीम्स दोनों की फ्रेंडशिप के ऊपर एंड मतलब एक तो ये ठग लाइफ भी आ सारे टाइप की मीम्स आ गई भाई बिग बॉस से रिलेटेड दो ही टाइप की मीम्स चलती है बिग बॉस का नाम ही आजकल एलिश यादव एंड अभिषेक मतलब मलान है मैं उनका पता है वो सरनेम भूल जाती हूँ हमेशा अभिषेक मलान की वजह से चल रहा है हमारे फुकरा इंसान की वजह से क्योंकि पहले भी वो बात मुझे बहुत जेन्युइन लगी क्योंकि रेटिंग हम लोगों को पता है एलविश भाई के जाने के बाद ही मैंने भी पर्सनली जब भी देखना स्टार्ट किया बिग बॉस वरना अब की बार का सीजन टिट्टी वाला मैंने तो नहीं किया था भाई फॉलो मैं बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ और ये सारी मीम्स जबकि है ये जब एलविश भाई आया था उससे पहले कि आप देख लो ऐसी कोई खास मीम बनी हो तो बनी ही नहीं थी यार एलविश भाई के जाने के बाद ही मतलब उन दोनों की सारी मतलब मीम्स बनी है जितनी भी रिलेटेड है जो ढंग से किया कि हाँ भाई देखी जा सके ऐसी मीम्स है तो भाई दैट्स माय रिएक्शन वीडियो आई होप यू एंजॉय द वीडियो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलती हूँ कल एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ तब तक के लिए गाइज गुड बाय